आप अपनी बात बोल लो, अपनी बात बोलने के बाद में फिर जब आपका गुस्सा शांत हो जाए तो फिर आप मीडिया पे गुस्सा निकाल लो। मतलब यार ये बात तो हजम नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ शहनाज गिल के पापा के बारे में। यानी कि संतोष जी को लगता है कि हम बेकार का मुद्दा बना रहे हैं। आखिरकार ये क्या कहा है इन्होंने, पूरा माजरा क्या है, बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ रिदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। पहले आपको बता दूं कि कुछ समय पहले जब शहनाज गिल गई थी पंजाब, अमृतसर गई थी, वो अपने चंडीगढ़ गई थी, चंडीगढ़ से फिर वो अमृतसर गई थी एक मतलब अपने फैंस वगैरह को रूबरू होने के लिए। तो वहां पर जब वो अपने घर नहीं गई तो शहनाज गिल के पापा ने एक जो एक बात जो कही थी सोशल मीडिया पर, जो कि सामने भी आई थी, उन्होंने कहा था कि भाई वो अपनी मतलब अपने फादर की कसम खाते हैं और वो कभी भी शहनाज गिल के सामने नहीं जाएंगे, शहनाज गिल से कभी बात नहीं करेंगे, और इस बात को मीडिया के सामने लाने वाले भी वो खुद ही थे। अब आपको बता दूं, संतोष जी ने एक और वीडियो शेयर किया है सोशल मीडिया पर जिसमें वो इस बात को कहते हुए नजर आए हैं कि भाई मेरे और शहनाज गिल के बीच में आप लोगों को मुद्दा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, और मैंने जो भी कहा था वो मैंने गुस्से में कहा था, और बाप और बेटी के रिश्ते में इस तरीके की तकरार दरार लाने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो आप पहले से आपने सामने से आके आपने इस बात को कहा था, हम तो आए नहीं थे, हमने तो पूछा नहीं था, या हमें तो पता भी नहीं था इस बारे में। अब जाहिर सी बात है कि हमारे ऊपर उंगलियां उठाने से पहले आप ये तो देखिए कि आप ही ने इस बात को कहा है। अब आपको बता दूं, यहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि ऐसा नहीं है, बच्चा तो बच्चा ही होता है और वो अपनी बेटी शहनाज गिल से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। चलिए, खुशी की बात है, जानकर अच्छा लगा इस बात को कि संतोष जी ने इस बात को अपने जो वर्ड्स है उन्हें वापस लिया, वर्ड्स को वापस लेने के बाद में अपनी बेटी के लिए प्यार ऐसा मैसेज भी किया। लेकिन गलती वहां पर हमें लगी जहां पर उंगलियां हमारे ऊपर ही उठा दी गई। अब इस बात को लेकर आप लोगों की राय क्या है, आप लोगों के मन में क्या बात आती है, राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस।